हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल करंट क्यूबो में। यूपी पीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का एग्जाम चल रहा है, इसमें आपको घुमा फिरा के एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट से ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो इस एग्ज़ाम को देखते हुए जो मैं खुद के द्वारा मतलब इधर उधर से वीडियो से और ट्रिपल सी के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं और TCS के द्वारा जितने पेपर्स कराए गए हैं, सारे मतलब जगह से मैं इकट्ठा करके ये कुछ अपने हैंड रिटन नोट्स मैंने बनाए हैं अपने लिए। तो मुझे लगा मैं आपके साथ शेयर करूं, जिससे आप लोग का भी एग्ज़ाम बेस्ट हो। तो बस इसीलिए मैं आपके साथ अपना ये हैंड रिटन नोट्स शेयर कर रहा हूं। अगर इस वीडियो को आप ना पूरा देख लोगे तो आप कंप्यूटर में पास हो जाओगे। 20 नंबर ही चाहिए 50 में, और वो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। जैसा कि आप थंबनेल पे देख रहे हैं, वैसा एकदम 100% मान के चलिए। और आप आके वापस एग्जाम देने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि हाँ, यहाँ से क्वेश्चंस आए हुए थे, और मैं यकीन दिला रहा हूँ दोस्तों, पास हो जाएंगे आप। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। नंबर एक क्वेश्चन देखिए, हम केवल क्वेश्चंस को पढ़ते हुए जाएंगे। आप ईयरफोन कान में लगा लीजिए और ध्यान से मेरे वर्ड्स, मेरे बातों को आप सुनते जाइए, क्या क्या मैं बोल रहा हूँ, क्या क्या हाईलाइटेड है, बस देखते जाइए और सुनते जाइए। इन एमएस एक्सेल अ लाइन चार्ट शोज अ सीरीज ऑफ ट्रेंड्स बाय कनेक्टिंग द डॉट्स। तो उसे क्या कहा जाता है, लाइन चार्ट। ये क्वेश्चन आया हुआ है, बुकमार्क इज नॉट इन एमएस एक्सेल 2007 चार्ट। यानी एमएस एक्सेल जो है वो सॉरी 2007 के एमएस एक्सेल में बुकमार्क नहीं अवेलेबल होता था, याद रखिएगा। बाकी नेक्स्ट है, एक्सेल स्टोर्स न्यूमेरिक डेट एंड टाइम एज नंबर्स। यानी डेट एंड टाइम को वो नंबर्स में करता है। इलस्ट्रेशन ग्रुप अवेलेबल इन एमएस एक्सेल 2007 इंसर्ट टैब में। और F7 जो की है, ये चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर, ठीक है। F7 का क्वेश्चन अभी आया हुआ था, और देखिए मैं लिखा हुआ हूँ अपने इस नोट में। तो यकीन मानिए दोस्तों, आपको फेल होने से कोई नहीं मतलब पास होने से कोई नहीं रुक सकता है। सॉरी, टू एड्स अ चार्ट इन एमएस एक्सेल, शॉर्टकट की F11, ठीक है। अगर आपको एक्सेल में एक चार्ट ऐड करना है तो F11 से करिए। Ctrl+D आपका वेबसाइट पे, गूगल क्रोम पे कोई वेबसाइट चला रहे हैं उसे फेवरेट पे आपको ऐड करना है, तो उसको आप Ctrl+D से ऐड कर सकते हैं। टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इनटू द प्रेजेंटेशन, आप Ctrl+M इसके लिए दबाएंगे। टू इन एक्सेल टू ऐड अ न्यू रो, अगर आपको एक्सेल में नया रो ऐड करना है तो Alt+I+R ऐड दबाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट हम देखेंगे, तो डिलीट एनी नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम, तो आप इसके साथ Ctrl+ फिर माइनस वाला जो बटन होता है उसको दबाइएगा। और Shift+F5 जो है, ये है स्टार्ट स्लाइड शो फ्रॉम द करंट स्लाइड। अगर आप करंट स्लाइड में हैं और फर्स्ट स्लाइड शो करना है, मतलब अगर आप क्लोज कर दिए, ठीक है, पावर पॉइंट, और आपको वहीं से स्टार्ट करना है, तो उसके लिए आप Shift+F5 क्लिक करेंगे। टू क्रिएट अ कॉपीराइट सिंबल इन वर्ड्स, अगर आपको कॉपीराइट सिंबल बनाना है, जैसे यहाँ देखिए बनाया हुआ है मैंने अपने इस लोगो में, सॉरी इस PDF में एक कॉपीराइट का सिंबल है, तो इसके लिए आप क्या यूज करेंगे, Alt+Ctrl+C। और सुनिए, इनपुट टू आउटपुट का जो है CPU का वर्क है, वो क्या है, इनपुट टू आउटपुट प्रदान करना है। नेटवर्क एज डिवाइस जो होते हैं, वो PC आपका है, स्मार्टफोन है, सर्वर है, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क स्टोरेज जो होता है 1.44 MB होता है। राउटर जो होता है, ये आपको आपके कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करता है विदाउट वायर, मतलब वायरलेस राउटर होता है, ठीक है। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क आपके VPN का फुल फॉर्म है। TCP का फुल फॉर्म ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। DHCP का फुल फॉर्म है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। WWW HTTP यूज, मतलब जो ये WWW होता है, ये कौन सा प्रोटोकॉल यूज करता है, ये करता है वर्ल्ड वाइड वेब HTTP प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सर्वर जो होता है, ये आपको सर्वर इज यूज टू एलोकेट एंड मैनेज रिसोर्स फॉर अ नेटवर्क, ठीक है। सर्वर होता है डाउनलोडिंग अ फाइल फ्रॉम इंटरनेट, FTP जो प्रोटोकॉल आपको डाउनलोडिंग करने में इंटरनेट से, कौन सा प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल FTP। टेम्पलेट ये होता है जो कि आपको इज रियूजेबल सैम्पल फाइल यूज टू बैकग्राउंड लेआउट कोऑर्डिनेट फॉन्ट्स टू क्रिएट एन अट्रैक्टिव फिनिश्ड स्लाइड शो, ठीक है। अब देखिए, शॉर्टकट की किसके लिए, डुप्लीकेट स्लाइड के लिए, किसी स्लाइड का आपको डुप्लीकेट बनाना है तो उसके लिए आप Ctrl+D
सिंपली टाइप करेंगे शॉर्टकट की MS PowerPoint View That Displays Only Text, Tiles, Titles and Bullets. तो इसको क्या कहते हैं? Outline View. ठीक है, मतलब Titles and Bullets आपके Outline View में पाए जाते हैं. चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑटोमेटिक. आप इसको मत देखिएगा, 25 के बाद 50 हो गया है, PDF इधर उधर हो गया है, तो उससे आप कोई वो मत करिएगा, बस आप सुनते जाइए. ऑटोमेटिक कीप द लोगो इन द सेम पोजीशन ऑन ईच स्लाइड. आप पावर पॉइंट में अगर अपने स्लाइड में हर एक स्लाइड में आप अपना लोगो ऐड करना चाहते हैं, बार बार ना ऐड करना पड़े, तो इसके लिए आप स्लाइड मास्टर से सिंपली ऐड कर सकते हैं. नोट पैड में करंट डेट एंड टाइम के लिए शॉर्टकट की होता है F5. CD यानी कॉम्पैक्ट डिस्क के फादर कौन है? जेम्स टी रसेल. ये इसमें CD में कौन सा वो होता है? लेजर बीम यूज होता है. ठीक है, CUI का फुल फॉर्म कमांड यूजर इंटरफेस, या कमांड के जगह पे कभी कभी कैरेक्टर भी आ जाता है, तो ये भी सही हो जाएगा. RTF का फुल फॉर्म रिच टेक्स्ट फॉर्मेट. और ये देखिए RTF क्या होता है, ये होता है वर्ड पैड के एक फाइल का एक्सटेंशन होता है, यानी वर्ड पैड के का एक्सटेंशन क्या होता है? RTF. नॉट शेयरेबल फाइल यानी .exe जो होता है, ये एग्जीक्यूटेबल फाइल होता है और ये नॉट शेयरेबल फाइल होता है. कॉलम एट्रीब्यूट, सॉरी देखिए कॉलम जो होता है ये एट्रीब्यूट होता है, रो जो होता है वो टपल होता है, याद रखिएगा. सी लैंग्वेज में शॉर्टकट की टू कंपाइल आप प्रोग्राम. अगर आपको सी लैंग्वेज में कंपाइल करना है कोई प्रोग्राम, तो उसके लिए सिंपली आप अल्ट प्लस F9 दबाएंगे और सी लैंग्वेज में ही शॉर्टकट की रन करने के लिए किसी प्रोग्राम को आप कंट्रोल प्लस F9 दबाएंगे. याद रखिएगा अल्ट प्लस F9 जो होता है वो कंपाइल करने के लिए होता है, और कोई प्रोग्राम रन करने के लिए कंट्रोल प्लस F9 होता है. चलिए इंडियन IT एक्ट नोटिफाइड ईयर 2000 में आया था, ये सब भी क्वेश्चंस याद रखिएगा. वी मेजर दैट रेजोल्यूशन ऑफ पिक्चर. अगर किसी पिक्चर का रेजोल्यूशन आपको मतलब मेजर करना है, तो वो किस में होगा? DPI यानी डॉट्स पर इंच में. और CISC का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग. और ये स्टोर्ड किस में होता है? ये ट्रांजिस्टर में स्टोर्ड होता है. RISC का फुल फॉर्म क्या होता है? ये भी सिंपल है, रेड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग. और ये NSFNET याद रखिएगा, नेशनल साइंस फाउंडेशन सेंटर. स्टेबलाइजमेंट इसका ईयर है 1985. अगर आपको गूगल क्रोम में कोई नया टैब ओपन करना है, तो इसके लिए आपको शॉर्टकट की जो है वो कंट्रोल प्लस T है. URN का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम. और देखिए बैंड इज अ यूनिट ऑफ डेटा ट्रांसफर रेट. ठीक है, तो आपका डेटा ट्रांसफर रेट का यूनिट क्या होता है? बैंड होता है, याद रखिएगा. पेज ब्रेक शॉर्टकट की, अगर किसी आपको सिंपली पेज ब्रेक करना है, तो उसके लिए आप कंट्रोल प्लस एंटर मारेंगे, आपका पेज जो है वो ब्रेक हो जाएगा. GSM का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन. CDMA का फुल फॉर्म होता है कोड डिवीजन फॉर मल्टीपल एक्सेस. एनालिटिकल इंजन किसके द्वारा बनाया गया था? चार्ल्स बेबेज के द्वारा. अब देखिए WWW का हो गया वर्ल्ड वाइड वेब, और WWW यानी 4 बार अगर W आ जाता है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो ये सिंपली होगा वॉर्म, आगे बढ़ जाएगा, याद रखिएगा वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म. QR में जितने मैक्सिमम कैरेक्टर कितने होते हैं? तो 7089, याद रखिएगा 7089 होते हैं QR में मैक्सिमम कैरेक्टर. USSD का फुल फॉर्म क्या होता है? अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा. ठीक है, अब देखिए कभी कभी आता है नेटिक्वेट्स किसे कहते हैं? तो इंटरनेट एटिक्वेट्स, मतलब इंटरनेट शिष्टाचार जो होता है उसे ही नेटिक्वेट्स कहते हैं, मतलब इंटरनेट प्लस एटिक्वेट्स. फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर इन इंडिया, याद रखिएगा विजय भाटकर कौन है? सुपर कंप्यूटर के फादर है इंडिया में. विजार्ड क्या होता है? विजार्ड इज अ इंटरैक्टिव प्रोग्राम. ठीक है, बिट सबसे छोटा बिट होता है, फिर बाइट होता है, फिर फील्ड होता है, फिर रिकॉर्ड होता है, फिर फाइल होता है, फिर डेटाबेस होता है. ठीक है, याद रखिएगा. चलिए ये भी एक PPT आप देख लीजिए. अभी मैं इतनी तीन ही PPT को आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन अगर आपके आपका जो है वो व्यूज आपके द्वारा आता है इस वीडियो पे, तो मैं फिर नेक्स्ट 3-4 PPT और है वो भी पढ़ा दूंगा. एग्जीक्यूटिंग इज द प्रोसेस ऑफ कैरिंग कमांड्स CPU, फिर प्रोसेस साइकिल, फिर फेच, फिर एग्जीक्यूट डिकोड. ठीक है, फिर स्टीरियो. इसके बाद देखिए CD का क्या होता है? 700 MB होता है स्टोरेज. DVD का होता है 4.7 GB. ब्लू रे डिस्क BRD का होता है 50 से लेकर 100 GB तक. ये BRD दो तरीके का होता है, एक होता है डबल लेयर, एक होता है सिंगल लेयर. सिंगल लेयर होता है आपका 50 GB और डबल लेयर आपका जस्ट डबल होता है 500 GB. HVD ये होता है 6 TB. ठीक है,
द क्विकेस्ट वे टू क्रिएट अ प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट में देखिए, आपको अगर कोई प्रेजेंटेशन बनाना है तो ऑटो कंटेंट विजार्ड एक क्विकेस्ट वे है क्रिएट करने का। सेलेक्ट वन हाइपर लिंक आफ्टर अनदर ड्यूरिंग अ स्लाइड प्रेजेंटेशन, तो ये टैब होता है। प्रिंट आप पीपीटी, अगर एक पीपीटी को प्रिंट करना है तो आप कंट्रोल पी सिलेक्ट करेंगे शॉर्टकट की। टू व्यू दैट डिस्प्लेज द स्लाइड्स ऑन अ प्रेजेंटेशन एज मिनिएचर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्लाइड्स इज कॉल्ड स्लाइड शॉर्टर व्यू। याद रखिएगा छः टाइप के व्यू होते हैं। अब ये आप एक बार कन्फर्म कर लीजिएगा, गूगल पे सर्च मार लीजिएगा, कहीं और देख लीजिएगा, क्योंकि हम मैं इसमें कन्फ्यूज हूँ, क्योंकि मुझे कहीं से पता चला 5 टाइप के होते हैं, कहीं पता चला 6 टाइप के होते हैं। तो थोड़ा एक बार इसको कन्फर्म करके कॉमेंट में बता दीजिएगा। पावर पॉइंट व्यू डिस्प्लेज ईच स्लाइड ऑफ द प्रेजेंटेशन एज अ थंबनेल एंड इज यूजफुल फॉर रीअरेंजिंग स्लाइड। तो इसके लिए क्या होता है, स्लाइड शॉर्टर होता है, याद रखिएगा। टू एड अ चार्ट टू द प्रेजेंटेशन इन MS PPT, इंसर्ट इलस्ट्रेशन चार्ट, ठीक है, चार्ट ऐड हो जाएगा वहां से। बेस्ट व्यू फॉर गेटिंग योर थॉट्स फॉर एन MS PPT प्रेजेंटेशन आउट ऑन द कंप्यूटर, आउटलाइन व्यू होता है सिंपल, विच कमांड ब्रिंग्स यू ऑन फर्स्ट स्लाइड। अगर आपको फर्स्ट स्लाइड पे आना तो कंट्रोल प्लस होम की अप्लाई करेंगे शॉर्टकट, आप पहुंच जाएंगे कहां पे, फर्स्ट स्लाइड पे। इन डॉक्यूमेंट फुटनोट्स आर अपीयर बिलो द पेज, याद रखिएगा, ठीक है। इंटरनेट के प्रोटोकॉल कौन कौन से होते हैं, TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल, TCP/IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। सेल इन द अपर लेफ्ट कॉर्नर, इन द सेल इज द इन द लोअर राइट कॉर्नर, सेपरेटेड बाई कॉलम, रेंज, याद रखिएगा, ठीक है, रेंज ये होता है। चलिए मैं ऊपर आ जाता हूँ, एक स्लाइड और है। फॉर्म फैक्टर इज द टर्म टू द मेक एंड साइज ऑफ मदरबोर्ड, याद रखिएगा, ये फॉर्म फैक्टर होता है। ASCII का फुल फॉर्म आया था, देखिए मैं लिखा भी हूँ यहाँ पे, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये होता है 7 बिट्स का। और याद रखिएगा ब्रैकेट्स 8N फ्रॉम शीट 1 ऑन शीट 3, अगर आपको ब्रैकेट लगाना है तो आप क्या अप्लाई करेंगे, शीट 3 एक्सक्लेमेशन लगाएंगे और 8N, ठीक है। इन PPT 4 टूल्स बार आर अवेलेबल, याद रखिएगा PPT में 4 टूल बार्स अवेलेबल होते हैं। कॉमन टास्क टूल बार प्रोवाइड्स डिफरेंट ऑप्शन इन डिफरेंट मास्टर व्यूज, ये भी याद रखिएगा। इन नोटपैड शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एच किसके लिए यूज होता है, फाइंड एंड रिप्लेस के लिए यूज होता है, बहुत ही सिंपल सा सवाल है, याद रखिएगा। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मेल भेजने के लिए आपको SMTP यूज करना होता है, और मेल रिसीव करने के लिए 2 प्रोटोकॉल होते हैं, IMPS और POP3। इन MS Excel सिंबल फिक्स्ड कॉलम एंड रोज, अगर कौन सा सिंबल यूज होता है फिक्स करने को कॉलम और रोज को, तो ये डॉलर का सिंबल होता है, ठीक है। ओपन फाइल एक्सप्लोरर के लिए शॉर्टकट की है Windows + E। साटा एंड IDE इसका फुल फॉर्म आ सकता है, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, साटा का हो गया। IDE का इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स, ये क्या है, हार्ड डिस्क के टाइप्स है। इन MS Excel कमांड टू डिस्प्ले ओनली द करेंट डेट, तो टूडे फिर ब्रैकेट क्लोज और ओपन का दोनों लगा देंगे, ठीक है। SSHD सॉलिड स्टेट हाइब्रिड ड्राइव, ये भी हार्ड ड्राइव होता है। टू सेलेक्ट या चूज द प्रिंट कमांड कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 इन MS Word 10, ध्यान दीजिएगा। नॉन वेटेड कोड, आपके एक्सेस हो गए, ग्रे कोड हो गए, ASCII मतलब ASCII हो गया, और वेटेड कोड क्या क्या होता है, BCD बाइनरी डेसिमल ETC। शॉर्टकट की टू स्टार्ट प्रेजेंटेशन फ्रॉम करंट स्लाइड, ये तो हो गया, शिफ्ट प्लस F5 एक बार बता ही दिया। MIDI का फुल फॉर्म क्या होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। इन नोटपैड फॉर हेल्प के लिए आप नोटपैड में F1 शॉर्टकट की यूज करेंगे। शॉर्टकट की कॉपी द टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एंड पेस्ट द सेम, आपको वही कॉपी जो है उठा के कॉपी करके पेस्ट करना है, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस C कॉपी के लिए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस V पेस्ट के लिए, ठीक है। DVD ड्राइव इज नॉट अ पार्ट ऑफ मदरबोर्ड, याद रखिएगा, मदरबोर्ड में DVD ड्राइव नहीं होता है, इसको अलग से लगाया जाता है। परम इज अ सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड बाई CDAC इन पुणे, याद रखिएगा, CDAC केवल कंप्यूटर बनाने के लिए ही कंप्यूटर बनाने के लिए जाना जाता है, कोई और एनी अदर किसी भी चीज़ के लिए आता है तो CDAC नहीं होगा, याद रखिएगा, और पुणे में है ये। TCP/IP स्टैक कंसिस्ट ऑफ 4 लेवल, ऐप लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर एंड फिजिकल लेयर,
TCP/IP में 4 लेयर होते हैं, ठीक है। 7 लेयर किसमें होते हैं ये आपको कमेंट में कमेंट करके बताना है। इन MS Word मैक्सिमम जूम 500% और मिनिमम 10% याद रखिएगा, और MS Excel में और पावर पॉइंट में दोनों में 400 आपके मैक्सिमम जूम होते हैं और मिनिमम आपका 10% होता है। ABCDIC एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, विंडो 8 डेस्कटॉप न्यू फोल्डर, यानी विंडो 8 में आपको डेस्कटॉप पे अगर न्यू फोल्डर बनाने का शॉर्टकट किया होगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, सिंपल। ओके, ये भी हो गया। चलिए पूरा इसी वीडियो में खत्म कर देता हूं। चलिए वर्चुअल मेमोरी आपका मेमोरी ऑफ हार्ड डिस्क व्हिच इज यूज्ड एज एक्सटेंडेड रैम, ठीक है, याद रखिएगा एक्सटेंडेड रैम को हम वर्चुअल मेमोरी के नाम से आते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू यूज इट्स कंपोनेंट्स, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम बताता है। इन प्रेजेंट टाइम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मेड ऑन हाई लेवल लैंग्वेज, याद रखिएगा दोस्तों अगर आ जाए कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपका किस लेवल लैंग्वेज बता देता है, हाई लो या फिर कोई भी और रहे, तो आप सिंपली हाई लेवल आंख बंद करके लगा दीजिएगा, सही हो जाएगा। और याद रखिएगा मशीन और असेंबली ये आपके दोनों लो लेवल लैंग्वेज है, इसके अलावा जितने भी है सी हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, कोबोल हो गया, ये सब आपके हाई लेवल लैंग्वेज है, याद रखिएगा। देखिए बस का यूज कहाँ होता है, पैरेलल स्ट्रीम करते समय हम BUS बस का यूज करते हैं जो कि एक राउटर है। पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते समय जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, जैसे देखिए कंप्यूटर आप यूज कर रहे हैं और उसको हमें फिर से Alt+F4 दबा के हमको वहां से रिस्टार्ट कर दिए, ठीक है, तो इसके दौरान जो होती है प्रोसेस उसको हम कहते हैं वार्म बूटिंग। लेकिन अगर आपका कंप्यूटर ऑफ है, पावर ऑन किए आप, उसके बाद आप CPU से ऑन किए या फिर लैपटॉप से ऑन किए, तो इसको आप इस समय जो होगा वो होगा कोल्ड बूटिंग, ठीक है, याद रखिएगा। एक बाइट आपका 8 बिट के बराबर होता है और एक बाइट में आपके 256 वैल्यू आ सकते हैं, 256 वैल्यू याद रखिएगा। किसी खास डिजाइन की विशेषताओं का सेट आपका कैलीग्राफ कहलाता है, कंट्रोल प्लस आर एंड F5 आपका शॉर्टकट की है रीलोड या रिफ्रेश करने के लिए। देखिए सेंड मेल आपका, यह अभी मैं बताया था ना, SMTP आपका सेंड मेल करते समय यूज होता है, और एक्सेस करते समय आपका IMAP होता है, या रिसीव करते समय आपका POP3 होता है, और एरर आपका डिटेक्ट करने के लिए ICMP प्रोटोकॉल का यूज होता है। अभी यूनिवैक आया था, इसके फादर हैं जॉन मैकार्थी और ENIAC अभी आ सकता है, JP Eckert है, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर ENIAC था, और दुनिया का पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर आपका यूनिवैक था। ICMP का फुल फॉर्म आ सकता है, तो ICMP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। NIC का हो सकता है आ जाए, तो NIC का नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। स्पाइडर क्या होता है, स्पाइडर एक प्रोग्राम होता है दैट कैलकुलेट वेबसाइट, ठीक है, सॉरी कैटलॉग वेबसाइट्स, यानी वेबसाइट्स को आपके कैटलॉग में एक सेट करने के लिए स्पाइडर का यूज होता है। इंडिया सुपर कंप्यूटर, देखिए आ गया इंडिया का सुपर कंप्यूटर आपका परम था, परम पद्म है, परम शिवाय है, परम सिद्धार्थ है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फादर कौन है, जॉन मैकार्थी। माइक्रोसॉफ्ट PPT में टोटल 6 व्यूज होते हैं। अब एक बार मैं बता रहा हूँ आपसे, एक बार इसको कंफर्म कर लीजिएगा, 5 व्यूज मैंने एक जगह देखा और एक लोग बता रहे हैं 6 व्यूज, अब ये ओल्ड या लेटेस्ट का है ये हम कंफर्म नहीं है अभी, आफ्टर वीडियो मैं कंफर्म कर लूँगा फिर आपको कमेंट में करके बता दूंगा। लेकिन नॉर्मल आउटलाइन, स्लाइड शॉर्टर, नोट पेज व्यू, रीडिंग व्यू या स्लाइड शॉर्टर व्यू, ये एक कन्फ्यूजन है, ठीक है, स्लाइड शॉर्ट व्यू। देखिए NTLDR विंडोज होता है, विंडोज में यूज होता है, GRUP लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है, लीलो भी आपका लिनक्स में होता है, और कंपाइलर आपका क्या होता है, सिंटैक्स एरर के लिए कंपाइलर का यूज किया जाता है, याद रखिएगा। MS Word इज वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, याद रखिएगा वो MS Word कैसा है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, डेटाबेस के लिए आपका एक्सेस है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, ठीक है, वर्कशीट के लिए आपका एक्सेल है, और प्रेजेंटेशन के लिए किसी भी टाइप का प्रेजेंटेशन हो आपका PPT है, सॉरी पावर पॉइंट है, याद रखिएगा। ओमनीबॉक्स पहली बार नाम आपने सुना होगा, क्रोम में ये होता है, एक बॉक्स होता है एज वेल एज सर्च बॉक्स से हम यूज कर सकते हैं। IBM में जो यूज हुआ था थर्ड जनरेशन कंप्यूटर था, याद रखिएगा। कर्नल क्या होता है, मोबाइल में भी आप देखते होंगे कर्नल दिया रहता है, तो ये क्या होता है, कोर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। SED का फुल फॉर्म होता है स्ट्रीम एडिटर,
चेक स्पेलिंग शॉर्टकट की, अभी एक बार बताया था फिर से आ गया, बार बार ये चीज मैं लिखा हूं और ये क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं, तो याद रखिएगा F7 जो है स्पेल चेकर है। और वर्ड रिप्लेसिंग शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस H, आपको कोई वर्ड रिप्लेस करना है तो कंट्रोल प्लस H यूज करिए। शॉर्टकट की टू जूम इन गूगल क्रोम कंट्रोल प्लस प्लस, ठीक है। ट्विटर में जो एक चिड़िया बनी रहती है वो कौन सी बर्ड रहती है, कौन सी चिड़िया रहती है, लैरी बर्ड रहती है, ठीक है। LISP फर्स्ट आर्टिफिशियल लैंग्वेज है, जावा क्या है, इंटरनेट लैंग्वेज है। सोल ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम को कहा जाता है, याद रखिएगा। कट कॉपी पेस्ट किस में पाया जाता है, एडिट मेन्यू में पाया जाता है। और C1 से E5 रेंज, अगर आपको आ गया कि C1 से E5 तक का रेंज को हम कैसे एक्सेल में लिखेंगे, तो सिंपल आप C1 फिर ये कॉलन फिर E5, मतलब ये कॉलन जो होता है ये रेंज शो करता है, ठीक। फिर आप देखेंगे IMI का फुल फॉर्म लिखा हुआ है, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिफिकेशन, 15-17 डिजिट का होता है, अगर मोबाइल खो जाए तो इसी के द्वारा हम उसे फाइंड कर सकते हैं। रिसाइकिल बिन जो होता है कंप्यूटर में हमारा 20% मेमोरी यूज करता है बस। FDDI फुल फॉर्म फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस, रिंग टोपोलॉजी में यूज होता है। सी देखिए, सी कोबोल बेसिक एंड जावा ये सब हाई लेवल लैंग्वेज है। एरे इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ग्रैस हॉपर के द्वारा ये बनाया गया था। रैम जो होता है, रैम इज आल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी मेमोरी, रीड एंड राइट मेमोरी, याद रखिएगा रैम को हम इतना चीज कह सकते हैं। 1 bit ऑफ डेटा स्टोर्ड बाई फ्लिप, जो फ्लिप फ्लॉप होता है ना, ये आपका एक केवल 1 bit स्टोर्ड करता है डेटा, ठीक है। एस रैम बनता है और कैश मेमोरी भी कहा जाता है, ठीक है। किसको, एस रैम को आप कैश मेमोरी भी कह सकते हैं। लूप बैक एड्रेस आपका आ सकता है, तो आपका याद रखिएगा 127 से शुरू होता है कहीं भी, ठीक है, कहीं भी आपको 127 दिखे बस आप आंख बंद करके लूप बैक एड्रेस लगा देंगे। EULA का फुल फॉर्म कहता है एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट, व्हेन इंस्टॉल विंडोज वी मस्ट नॉर्मली एक्सेप्ट, मतलब जब हम किसी विंडो को इंस्टॉल करते हैं किसी कंप्यूटर में तो जो टाइम लगता है ना वो टाइम हमको यही कहता है एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट, हमको ये एक्सेप्ट करना पड़ता है। प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अक्रॉस इन कंप्यूटर, सॉरी फाइंडिंग एरर्स इन सॉफ्टवेयर कोड, टेस्टिंग उसे कहा जाता है। और डिबगिंग जो होता है ये किसको कहा जाता है, देखिए अगर आपके ऑप्शन में आ गया डिबगिंग तो आप दंड से डिबगिंग लगा देंगे, गलत हो जाएगा, याद रखिएगा उसको टेस्टिंग कहते हैं। और एरर्स जो डिटेक्ट हो जाता है, डिटेक्ट करने के बाद आपको करेक्ट करने को हम क्या कहते हैं, डिबगिंग कहते हैं। SDLC का फुल फॉर्म सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, कंट्रोल प्लस ओ किस चीज़ के लिए शॉर्टकट की है, ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल और डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए। चलिए अब आज यही तक हम इसको खत्म करते हैं, ठीक है। आपके जो आपका मतलब इस वीडियो पे आपका व्यू रहेगा उस हिसाब से मैं एक वीडियो और लेके आऊंगा जिसमें आपका नीचे के सारे ये रहेंगे, तो इसमें से आपका कितना फंसा जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए आपको ऑल द बेस्ट। और जो इस टाइम सेकंड शिफ्ट में आपका एग्जाम है उसमें अगर आप इस वीडियो को देखें तो आपका जरूर से जरूर पास हो जाएंगे। और भी लोग जो अभी आपका कल भी पेपर है, 30 तक पेपर चल रहा है, तो आप वीडियो को जरूर देखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इसका PDF चाहिए हो तो करंट क्यूबो टेलीग्राम ग्रुप है मेरा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ ही साथ में आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कितना क्वेश्चन फंसा, कितना नंबर आपका सही हुआ, कैसे क्वेश्चंस आए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फोड़ दीजिए, एकदम बढ़िया से पढ़िए और UPPCL के लिए के जॉब के लिए आपको अग्रिम बधाइयाँ, बस आप ज्वाइन करिए, पास हो जाइए।